हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 28 और तिथि है 7 सितंबर 2020। और आज का हमारा टॉपिक है सर्वांग समता। और ये सर्वांग समता हम किस में चेक करेंगे? हम करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब ये सर्वांग समता क्या है? सर्वांग समता जो है वो किन शब्दों से मिलके बना है? सर्व, अंग और समता, यानी सर्व जमा अंग जमा समता। सर्व मीन्स सारे, अंग यानी भाग और समता मीन्स समान, बराबर। तो ऐसे त्रिभुज जिनके सारे भाग, अब त्रिभुज के भाग क्या हैं, त्रिभुज के अंग क्या होते हैं, उसकी भुजाएं और कोण। तो अगर त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज या दो से ज़्यादा त्रिभुज जो हैं उनके सारे भाग यानी उनके जो भुजा हैं वो और कोण जो हैं अगर वो समान हैं, बराबर हैं, तो वो कैसे त्रिभुज कहलाते हैं? सर्वांग सम। और इसी को हम कहते हैं सर्वांग समता। अब हम आसपास अगर अपने देखें तो सबसे पहला एग्जांपल तो हमें अपने हाथों का मिल जाता है। हम अपने हाथों को एक के ऊपर एक रखें तो कैसा होगा? दोनों हाथ एक दूसरे को ढक लेंगे, तो इसलिए हमारे जो दोनों हाथ हैं वो सर्वांग सम हैं। ऐसे ही 10 के नोटों को एक दूसरे पर रख कर देखो तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे, तो वो भी सर्वांग सम हैं। लेकिन अगर हम एक नोट 10 का लें और 100 का नोट लें और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रख कर देखें तो क्या वो एक दूसरे को ढक पाएंगे? नहीं। तो ये दोनों नोट सर्वांग सम नहीं हैं। अब ऐसे ही ये तो कुछ उदाहरण थे आपके ही आसपास से। अब इनके अलावा भी आपको कुछ उदाहरण ढूंढने हैं जो हमें बूझो तो जाने में दिया गया है। कि बच्चों, अब आप अपने आसपास सर्वांग समवस्तुओं या आकृतियों के 4 उदाहरण ढूंढो। अब एक उदाहरण मैं बता रही हूँ, बाकी 3 जो हैं वो देखते हैं आप ढूंढ पाते हो या नहीं। पहला उदाहरण जो है मैं बता रही हूँ आपको, आपकी NCERT की मैथ्स बुक, जो आपकी गणित की बुक है, गणित की किताब है NCERT की, सारी बुक एक के ऊपर एक रख के देखो NCERT की मैथ्स की बुक 9th की, और उस पर एक और दूसरी 9th की NCERT की मैथ्स बुक रखो, वो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी। और उन्होंने ढक लिया, इसका मतलब वो दोनों की दोनों क्या हैं? सर्वांग सम। अब इसी तरह आपको दूसरा, तीसरा और 4th उदाहरण जो है वो खुद ढूंढना है। ढूंढेंगे ना? आप देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, जो मैंने आपको बताया था कि अगर उसके सभी भाग बराबर हों तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। अब जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज लिया हुआ है हमने, त्रिभुज ABC, ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। और एक त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज DEF, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज DEF और ये है हमारा ABC। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये कोण जो C है ये 48 डिग्री का है, F भी 48 डिग्री का है, कोण B जो है वो 52 डिग्री का है, तो E भी 52 डिग्री का है, A 80 डिग्री का है तो D भी 80 डिग्री का है, यानी कोण तो बराबर हो गए। अब देखें इसके बाकी भाग, मैंने बताया ना त्रिभुज के भाग कौन से हैं, अंग कौन से हैं इसके, जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं तो त्रिभुज के हाथ पैर क्या हैं? उसके कोण और उसकी भुजाएं। तो अब यहाँ पर AC का माप दिया है 5 सेंटीमीटर और DF जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है, AB है 4.5 सेंटीमीटर तो DE भी 4.5 सेंटीमीटर है, और BC का माप है 6.5 सेंटीमीटर तो EF भी 6.5 सेंटीमीटर है, यानी इसके सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये दे दिया AB बराबर DE, BC बराबर EF, AC बराबर DF, और कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, और कोण C कोण F के बराबर है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें यहाँ पर देखना है कि वो कोण संगत होने चाहिए, यानी अगर हम C की बात कर रहे हैं तो C को हम कंपेयर करेंगे F से। ये नहीं कहेंगे कि C जो है, कोण C वो कोण D के बराबर नहीं है इसलिए सर्वांग सम नहीं है। हमें संगत भागों को की समानता चेक करनी है कि इसके संगत भाग कैसे हैं। और संगत भाग देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये है त्रिभुज ABC
और ये है त्रिभुज डी ई एफ। तो जब हम कोणों की बात करेंगे तो कोण ए कोण डी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका संगत कोण ये है। कोण बी का संगत कोण ई होगा, और कोण सी का संगत कोण होगा कोण एफ। तो यहाँ पर ये कोण बराबर हैं। इसी प्रकार जब हम भुजाओं की बात करते हैं बेटा, तो हम कैसे करते हैं, ए बी ये भुजा हो गई, तो इसकी संगत भुजा होगी डी ई, तो ए बी बराबर डी ई हो गया। बी सी की बात कर रहे हैं तो बी सी की संगत भुजा होगी ई एफ। देख रहे हो, बी सी ई एफ, तो बी सी बराबर ई एफ भी हो गया। और जब हम ए सी की बात करेंगे तो दूसरे त्रिभुज में उसकी संगत भुजा होगी डी एफ, तो ए सी बराबर डी एफ हो गया। तो जब हमारे त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो जाते हैं तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। ये जो चिन्ह है ये है सर्वांग सम, यानी बराबर का निशान और उस पर इस ढंग से, तो ये है सर्वांग समता का चिन्ह। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, एफ ई डी नहीं, डी ई एफ। अगर हम एफ ई डी लिखेंगे तो वो गलत होगा, क्यों, क्योंकि हम तो संगत भागों की बात कर रहे हैं ना, तो ए के संगत कौन है, डी, एफ तो नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि कोण ए कोण एफ के बराबर है। क्या कोण ए और कोण एफ बराबर है? देखें यहाँ पर कोण ए तो 80 डिग्री है और एफ है 48 डिग्री, क्या ये बराबर हैं? नहीं। तो इसलिए त्रिभुज का नाम लिखते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हमें संगत भागों के हिसाब से नाम लिखना है। अगर हम त्रिभुज ए बी सी कह रहे हैं तो कोण ए के बराबर कोण डी है, तो हमारा त्रिभुज डी से शुरू होगा। बी के बराबर कोण ई है तो डी ई एफ, ये हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत बराबर भागों के लिए हम सी पी सी टी लिखते हैं। सी पी सी टी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत पार्ट्स यानी भाग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, जो सर्वांग समता है ना, सर्वांग सम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज, तो हम इसे सी पी सी टी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारी सर्वांग समता। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखते हैं। अब यहाँ हमें प्रश्न दिया गया है, क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम हैं? यदि हाँ तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सर्वांग सम हैं या नहीं। अब यहाँ है कोण x बराबर कोण L के, क्योंकि ये भी 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री, तो हम लिखते जाते हैं कोण x बराबर है कोण L के, ठीक है। फिर है कोण y बराबर है कोण M के, तो कोण y बराबर कोण M। और लास्ट है कोण z बराबर कोण N, यानी कोण z बराबर कोण n। कोण तो बराबर हो गए, अब दूसरे भाग देखें। दूसरे भाग कौन बच गए? इनकी भुजाएं। तो अब हम इनकी भुजाएं देखते हैं। सबसे पहले हमने भुजा ले ली, भुजा xy, वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा कौन सी है? भुजा lm। तो दूसरी भुजा आ गई lm, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, यानी xy बराबर l M, ये भुजा हो गई। अब अगली भुजा है हमारे पास YZ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज में YMN जो है वो है 9 सेंटीमीटर। तो यानी अब हम लिख सकते हैं YZ बराबर है MN के। और लास्ट भुजा जो है वो है XZ वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इधर है LN वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों भी बराबर हो गए। तो XZ बराबर है LN के। तो ये तो हो गए हमारे संगत भाग बराबर। अब त्रिभुज का नाम लिखें, तो पहला त्रिभुज हो गया हमारा XYZ, और दूसरा त्रिभुज तो संगत भागों के हिसाब से X किसके बराबर है? L के बराबर, तो पहले आ जाएगा L। Y किसके बराबर है? M कोण के बराबर, फिर आ जाएगा M। और Z कोण किसके बराबर है? कोण N के, यानी N। तो त्रिभुज XYZ सर्वांग सम है त्रिभुज LMN के, क्योंकि इसके
संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाएं भी बराबर हैं, XZ और ये LN। देख रहे हैं? तो इस तरह से त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध करते समय संगत भागों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उन्हें पहचानना तो बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया, इसका पहला अल्फ़ाबेट तो इसका पहला अल्फ़ाबेट, इसका दूसरा तो इसका दूसरा। तो इस ढंग से हम चेक कर सकते हैं हमारा त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो इस टॉपिक से संबंधित और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।